माय चैनल ईएफबी इंग्लिश फ्रॉम बिगनी। फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं क्या लेसन 70, जहां पर हम नरेशन को आगे बढ़ाएंगे। प्रीवियस लेसन में हम लोगों ने देखा डायरेक्ट स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर प्रेजेंट के सारे कॉलम आ रहे थे, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो इसको हम लोगों ने पास्ट में बदल दिया था। आज उसी लेसन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि अगर डायरेक्ट स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पास्ट के सारे कॉलम आ जाए तो हमें क्या करना होगा। तो फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा और वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा ताकि सारी बातें आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, सोचिए कि अगर डायरेक्ट स्पीच में पास्ट के सारे कॉलम होते, जैसे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो आप देख सकते हैं कि अब डायरेक्ट स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पास्ट के सारे कॉलम आने वाले हैं। अगर मुझे इसे इनडायरेक्ट करना होगा तो ऐसी कंडीशन हमें क्या करना होगा उसको समझते जाइएगा। पास्ट इंडेफिनिट जो होगा ना, वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, यानी जो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है उसको आपको पास्ट परफेक्ट में बदल देना है। कहने का मतलब ये था कि डायरेक्ट स्पीच एंड इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो इसका मतलब क्या होगा कि वो सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है, और ऐसी कंडीशन हमें क्या करना होगा इसको हेड और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देना होगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदला जाता है। इसी तरीके से फ्रेंड्स, अगर हमारा सेंटेंस है ना वो पास्ट कंडीन्यूअस में होता, पास्ट कंडीन्यूअस में होगा तो हमें क्या लिख के आएगा बताएंगे आप? वॉज या वर्ब लिख के आएगा, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? आईएनजी फॉर्म। तो जो पास्ट कंडीन्यूअस होता है ना, इसको पास्ट परफेक्ट कंडीन्यूअस में बदल दिया जाता है, और जो पास्ट परफेक्ट कंडीन्यूअस होता है ये हमारा क्या होता है? हैड, और उसके साथ क्या जोड़ना पड़ता है हमें? बीन, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? आईएनजी फॉर्म, जो कि कॉमन है पास्ट कंडीन्यूअस में भी और पास्ट परफेक्ट कंडीन्यूअस में भी, इसीलिए मैंने वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहां पर मेंशन नहीं की। अब बात करते हैं कि अगर हमारा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट होता तो पास्ट परफेक्ट का होगा तो वहां पर क्या आएगा? हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पास्ट परफेक्ट का जो सेंटेंस होता है इसको बदला नहीं जाता, यानी पास्ट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा। आप सब्जेक्ट बदलोगे, ऑब्जेक्ट बदलोगे, यानी आप प्रोनाउंस तो बदलोगे लेकिन हमारा जो सेंटेंस का टेंस है वो नहीं बदला जाएगा, यानी पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा। यानी हैड और थर्ड फॉर्म लिख के आएगा तो उसको आपको बदलना नहीं है। अब अगर सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट कंडीन्यूअस में होता, अब पास्ट परफेक्ट कंडीन्यूअस में होने की कंडीशन क्या है कि यहां पर क्या लिख के आएगा? हैड, बीन, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? आईएनजी फॉर्म। तो इसको भी हमें नहीं बदलना होगा, यानी पास्ट परफेक्ट कंडीन्यूअस का सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंडीन्यूअस में ही रहता है, इसको भी चेंज नहीं किया जाता। यानी अगर हैड बीन लिख के आएगा तो उसे आपको हैड बीन ही लिखना होगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, अगर डायरेक्ट स्पीच में ये सारे कॉलम आ जाए तो उसको इनडायरेक्ट करते समय हमें इन कॉलम में बदलना होगा। अब फ्रेंड्स, इसमें एक एग्जांपल लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आपके सामने एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूं। अगर मैंने आपसे कहा होता सी सैड टू मी, और उसके बाद उसने कह दिया कि आई कुक्ड फूड, सी सैड टू मी आई कुक्ड फूड, तो क्या आप बता सकते हैं ये हमारा जो सेंटेंस है ये कहां का हो गया? पास्ट इंडेफिनिट का हो गया। अब इसे हमें क्या करना है? इनडायरेक्ट बदलना है, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा आने का मतलब क्या हो गया? डायरेक्ट। अब ऐसी कंडीशन में सबसे पहले हमें रिपोर्टिंग सब्जेक्ट को कॉपी करना होगा, जो कि हमारा क्या हो गया? सी। अब सेट टू को हम क्या करने वाले? टोल्ड में बदलने वाले। उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को यहां पर कॉपी किया जाएगा। फिर इन्वर्टेड कॉमा तोड़ने के लिए हमें क्या रखना होगा? यहां पर दैट, और इसके बाद हमें सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो भी प्रोनाउन होंगे उसका हमें क्या करना होगा? रिलेशन बनाना होगा। तब इस आई का रिलेशन हमारा किससे बनेगा? सी से, क्योंकि वो लड़की है जो मेरे पास आती है और कहती है कि आई कुक्ड फूड, तो भोजन किसने बनाया? उस लड़की ने, यानी इसने। तो यहां पर हमें क्या रखना होगा? आई की जगह सी, और ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का था तो इसको पास्ट परफेक्ट बदलेंगे। तो क्या करना होगा हमें? सी हैड कुक्ड फूड। तो आप देख सकते हो कि अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस आया तो उसे इनडायरेक्ट करते समय हम लोगों ने उसको क्या कर दिया? पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदल दिया।
और आपके सामने सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया है, सी टोल्ड मी दैट सी हैड कुक्ड फूड। अब फ्रेंड्स इसमें एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर सोचिए कि वो लड़की है जो मेरे पास आती है और वो मुझसे कहती आई वॉज डांसिंग, ऐसा उसने मुझसे कहा। तो लड़की है वो मेरे पास आई और उसने कहा कि आई वॉज डांसिंग। अब इसको अगर हमें चेंज करना होगा तो क्या करना होगा, ये सेंटेंस तो हमारा कहां हो गया पास्ट कंटीन्यूअस का। अब इसको इनडायरेक्ट करेंगे तो हमें क्या करना होगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदलना होगा। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, सी टोल्ड मी दैट, अभी भी आई का रिलेशन सी से, तो मैंने क्या रखा यहां पर सी, और उसके बाद यहां पर क्या आ जाएगा हैड बीन, हैड बीन, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी होती है हमें आई एन जी फॉर्म, तो आई एन जी फॉर्म को फिर से यहां पर एड कर दीजिए और सेंटेंस क्या बना हमारा, सी टोल्ड मी दैट सी हैड बीन डांसिंग। अब फ्रेंड्स अगर इसी में मैं कुछ ऐसा एग्जाम्पल लू जो कि हमारा कहां का हो जाए पास्ट परफेक्ट का हो जाए, जैसे अगर मैंने आपसे कहा होता कि सी सेड टू हिम, यहां पर मी की जगह मैंने क्या लिख दिया हिम लिख दिया, और सेंटेंस हमारा क्या है कि सी सेड टू हिम यू हैड अब्यूज्ड ABUSED अब्यूज्ड मी। तो इस लड़की ने इस लड़के से बात की और बात करते हुए क्या कह दिया कि यू हैड अब्यूज्ड मी, तुमने मुझे गाली दी थी। और ऐसी कंडीशन में देखिए कि हमारा जो सेंटेंस है हमारा कहां का हो गया पास्ट परफेक्ट का हो गया। अब इसका टेंस नहीं बदला जाता, तो इसमें क्या क्या बदला होगा वो सारी चीजें आपको ध्यान से देखनी होगी। तो सबसे पहले क्या रखा हम लोगों ने सी, सेट टू को हटाया तो क्या हो गया टोल्ड, और मी की जगह अब कौन आ जाएगा हिम, क्योंकि बात मुझसे नहीं हो रही है, बता भले ही मैं रहा हूं लेकिन बात एक लड़की की एक लड़के से हुई। अब उसने क्या कहा यू, यू का मतलब कौन, ये हिम, तो यहां पर हमें क्या रखना होगा ही, उसके बाद क्या आ जाएगा बताइए, इसके टेंस को तो बदलना नहीं हमें। अब अगर इसके टेंस को हमें नहीं बदलना है तो ही के बाद हैड और हैड के बाद क्या आ जाएगा यहां पर अब्यूज्ड। अब इस मी का रिलेशन किससे बनेगा सी से, तो यहां पर हमें क्या रखना होगा सी का ऑब्जेक्ट जो कि हमारा क्या होता है हर, और हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा सी टोल्ड हिम दैट ही हैड अब्यूज्ड हर। और फ्रेंड्स अगर इसी तरीके से एक सेंटेंस मैंने पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का लिया होता और मैंने आपसे कहा होता कि ही सेड टू मी या सी सेड टू मी, कुछ भी हो सकता है इसको माइंड कीजिए, चलिए इस प्रोनाउन को चेंज कर लेते हैं ताकि आपको कुछ और बातें समझ में आ जाए। तो अगर मैंने आपसे कहा होता ही सेड टू मी और उसके बाद उसने कह दिया कि यू हैड बीन सिंगिंग, तो आप देख सकते हो आपके सामने एक सेंटेंस है कि ही सेड टू मी यू हैड बीन सिंगिंग। अब ये सेंटेंस हमारा कहां का हो गया पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का हो गया। अब इसको बदलेंगे तो मैं आपसे क्या कहूंगा, ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी दैट। अच्छा गाना कौन गा रहा था यू, यू का मतलब किससे हो गया आई से, तो यहां पर कौन आ जाएगा मी का सब्जेक्ट जो कि क्या होगा आई, और उसके बाद यहां पर हमें देखिए कि इसके टेंस को नहीं बदलना है तो हमारा सेंटेंस क्या बनने वाला है कि आई हैड बीन सिंगिंग। तो फ्रेंड्स आप ध्यान से देख सकते हो कि डायरेक्ट स्पीच को मैंने इनडायरेक्ट में बदल दिया और मैंने क्या लिखा ही टोल्ड मी दैट आई हैड बीन सिंगिंग। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।